यूं तो हमारे भारतवर्ष में जनसंचार के काफी सारे माध्यम हैं, परंतु उन सभी माध्यमों में से टीवी या टेलीविजन सबसे प्रमुख है। इसके प्रमुख तथा प्रसिद्ध साधन होने के काफी कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है इसका दृश्य श्रव्य होना। दृश्य श्रव्य होने के कारण ये अधिक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखता है। टेलीविजन से पहले कोई भी साधन ध्वनि के साथ साथ दृश्य प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं था। टेलीविजन का आगाज भारत में सन 1959 में हुआ। दिल्ली में हुए एक प्रदर्शनी के दौरान फिलिप्स कंपनी ने टेलीविजन का प्रदर्शन किया। 15 सितंबर 1959 को दिल्ली टेलीविजन केंद्र का प्रसारण शुरू किया गया था। टेलीविजन 20वीं सदी के इस घुसपैठिए का जन टेक्नोलॉजी के निरंतर विकास की गाथा है। भारत में जो टेलीविजन है वो अनचाही आ गया, उसके लिए कोई रणनीति नहीं बनाएगी। और उसके पीछे कारण ये रहा कि 1956 में भारत में दिल्ली में औद्योगिक मेला लगा हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक मेला। तो वहाँ पर फिलिप्स कंपनी ने और जर्मन गणराज्य ने अपने टेलीविजन सेट लगा रखे थे, स्टूडियो बना रखे थे लोगों को दिखाने के लिए। उससे ये हुआ कि जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा कि अब इसको दोबारा ढो के ले जाने से, टीवी सेट से, ये अच्छा है कि इसको भारत को दान कर दिया जाए। तो भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय को उन सेटों को इन लोगों ने दान कर दिया। तो इस तरीके से भारत में टेलीविज़न आ गया। लेकिन इसके बाद भी और बहुत सारे भी काम हो रहे थे। जैसे यूनेस्को ने लगभग $20,000 का आर्थिक सहायता देने की बात की थी। और इसके अलावा फोर्ड कंपनी ने बोला था कि हम लोग 10% के आसपास आर्थिक सहायता देंगे। तो भारत में टेलीविज़न के लिए बात चल ही रही थी। और उसी में उस समय हमारे पास प्रसारण के नाम पर सिर्फ आकाशवाणी था, और आकाशवाणी के तहत ही दूरदर्शन को एक तरीके से लॉन्च किया गया और उसका नाम रखा गया AIR TV। और उसमें लोगो लगाया गया दूरदर्शन का और उसके नीचे एक भारत वाक लगाया गया सत्यम शिवम सुंदरम। तो इस तरीके से भारत में टीवी का पदार्पण होता है। सन 1967 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा ग्रामीण दर्शकों के लिए कृषि दर्शन का उद्घाटन किया गया। यह प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को 20 मिनट के लिए प्रसारित किया जाता था। इस प्रोजेक्ट को परमाणु ऊर्जा विभाग ने प्रसारण मंत्रालय, ऑल इंडिया रेडियो, भारत कृषि अनुसंधान संस्थान और दिल्ली प्रसारण के सहयोग से शुरू किया गया था। टेलीविजन को जन जन तक पहुँचाने में सबसे अहम भूमिका थी 1975 में हुए एक ऐसे प्रयोग की जिसने टेलीविजन के इतिहास में क्रांति लाकर रख दी। इस उपयोग का नाम था साइट। यह प्रयोग नासा एवं इसरो की साझेदारी में किया गया। यह प्रयोग पूरे एक वर्ष तक चला। इस प्रयोग का उद्देश्य भारत के ग्रामीण तथा पिछड़े इलाकों तक भी टेलीविजन की सुविधा पहुंचाने का था। इस प्रयोग के दौरान ATS-6 सैटेलाइट का उपयोग किया गया था। यह प्रयोग भारत के 6 राज्यों में किया गया था, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं राजस्थान शामिल थे। साइट भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है, जो कि 1975 से लेकर 1976 तक के बीच में हुआ। और विक्रम साराभाई जिन्होंने साइट एक्सपेरिमेंट को काफ़ी बढ़ावा दिया। हम जानते हैं कि होमी बाबा के स्टूडेंट रहे विक्रम साराभाई, जिन्हें फादर ऑफ इसरो भी कहा जाता है। तो उन्होंने एटॉमिक एनर्जी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर, उन्होंने इसरो और नासा के साथ मिलकर ये एक्सपेरिमेंट को रचा। ये एक्सपेरिमेंट का दो कॉन्सेप्ट था, एक एजुकेशनल टेलीविजन जिसे ETV बोलिए, और एक ITV जिसे इंस्ट्रक्शन टेलीविजन बोलते हैं। ETV के माध्यम से उन्होंने स्कूल के गरीब बच्चों को एक एजुकेशन प्रदान हुआ। ITV जिसे बोला जाता है इंस्ट्रक्शन टेलीविजन, इसके माध्यम से जितने भी एडल्ट थे उन्हें फैमिली प्लानिंग, हेल्थ और हाइजीन पे ये प्रोग्राम काफ़ी फोकस था। एंड दिस प्रोजेक्ट वाज फंडेड बाय यूनिसेफ, यूनेस्को, ITU एंड UNDP। सन 1982 में भारतीय सरकार ने INSAT-1A सैटेलाइट का इस्तेमाल करके पूरे भारत में दूरदर्शन का विस्तार किया। इसी वर्ष भारत ने एशियाई खेल की मेजबानी भी की। भारत सरकार का उद्देश्य था कि दूरदर्शन के माध्यम से
एशियाई खेलों को घर घर तक पहुंचाया जाए। सन 1984 में भारत का पहला हिंदी ड्रामा सीरियल हम लोग प्रस्तुत किया गया। टेलीविजन के विकसित होने में एक बड़ा मोड़ 1991 में आया, जब उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन ने भारत में दस्तक दी। सन 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने के बाद जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसने भारत के पूरे बाजार के साथ साथ टेलीविजन इंडस्ट्री को भी बदल कर रख दिया। जिस तरह से भारत का बाजार बाकी उद्योगों के लिए खुला, उसी प्रकार से टीवी के लिए भी ये चीज़ देखी गई। अब यहाँ पर प्राइवेट चैनल्स का आगमन हुआ। सबसे पहले स्टार नेटवर्क इंडिया आता है, उसके बाद जी जो कि भारतीय चैनल ही था, उसका आगमन होता है। इसके बाद हमने देखा 1995 में केबल रेगुलेशन एक्ट आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो एयरवेव्स और फ्रीक्वेंसी हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी है और उसका यूज़ पब्लिक के लिए होना चाहिए। इसके बाद ही हमने देखा कि प्रसार भारती एक्ट जो 1990 में पास हो गया था, उसके 7 साल बाद, इसमें लिबरलाइजेशन का एक बड़ा योगदान था कि 7 साल बाद फाइनली हमें प्रसार भारती जैसी संस्था मिली 1997 में। इसके अलावा जो ये बदलाव थे वो भारत के लोगों की लाइफस्टाइल में भी काफी बदलाव हमें दिखे। अगर बात करें सन 2000 की, तो इस समय तक केबल टीवी भारत के अधिकतर लोगों के घर तक पहुंच चुका था। सन 2003 में डिश टीवी द्वारा पहली डीटीएस सेवा यानी डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत की गई, जिसके बाद केबल टीवी से ज्यादा लोगों का रुख इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर आधारित सेवा की तरफ होने लगा। सन 1959 से वर्तमान समय तक टीवी के इतिहास ने काफी करवटें ली हैं। यह विकसित होने के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी करती आई। स्टार्ट करो। टेलीविजन ने हमें काफी सारे यादगार कार्यक्रम एवं शिक्षा प्रदान कर हमारे समाज के विकास में भी एक काफी अहम भूमिका निभाई, जिसका असर हमें वर्तमान समय में भी आसानी से देखने को प्राप्त हो जाता है।